फिरोजाबाद में न्याय न मिलने पर पीड़ितों ने डीएम की गाड़ी रोककर शोक जताया। फिरोजाबाद यूपी के जिला फिरोजाबाद में न्याय न मिलने पर पीड़ितों ने डीएम नेहा शर्मा की गाड़ी रोककर शोक जताया। पीड़ितों ने बताया कि एक दिन पूर्व थाना उत्तर क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 के अंतर्गत पुत्री विनोद कुमार टापा खुद के प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी। सुहाना उन्हें करीब 9 साल स्कूल के पीछे पेशाब करने के लिए पड़ोस के एक खेत में गई थी। खेत में पड़े बिजली के तार की चपेट में आने से खेत में ही पड़ी रही। काफी देर होने के बाद स्कूल में न पहुंची तो स्कूल के बच्चों ने देखा तो टीचर को अवगत कराया कि सुहाना को बिजली ने पकड़ लिया है, खेत में ही पड़ी रही। इसके बाद आज जिला चिकित्सालय में परिवारी जनों ने डीएम नेहा शर्मा की गाड़ी रोककर शोक जताया और मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। जब मैं गई तब वो बाहर गई है, निकल के बाहर गई है, तब वो उसे बत्ती टूट के गिर पड़ी, वो वहीं रह गई, जल गई वहीं पे। मैं बोला बाहर गई है, मैं बोला बाहर गई है, और कुछ नहीं है, डाला ना डाला भाग गया। हम लोग यहाँ लगे हुए लेकिन ग्यारह बजे के बाद।